Welcome to my YouTube channel Technical Trainer. Today I am going to discussing about subnetting of class 3 IPs in FLSM. Firstly, take an IP 192.168.1.0.26. It is a CIDR value. Its full form is class less enter domain routing. Different CIDR values in different classes. CIDR values. Class A 9 to 30. Class B 17 to 30. Class C 25 to 30. क्लास ए में 9 से 30 के बीच में रहेगी, क्लास बी में 17 से 30 के बीच में, और क्लास सी में 25 से 30 के बीच में, जैसे इसमें 26 है। ये क्लास सी की आईपी है, इसलिए अब हम इसकी सबनेटिंग करेंगे। फर्स्टली अब इसमें ये क्लास सी की आईपी है, तो इसमें 3 नेटवर्क और 1 होस्ट होगा। तो इसमें ये नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, ये भी नेटवर्क है, और ये होस्ट है, ठीक है। तो नेटवर्क में सारी बिट ऑन होंगी 3 4, और इसमें भी सारी बिट ऑन रहेंगी, इसमें भी सारी बिट। इसमें होस्ट है, मतलब इसमें सारी बिट ऑफ रहेंगी, लेकिन ये 26 है, तो हमें 26 बिट ऑन करनी है। तो 8 8 8, और इसमें यानी 24 प्लस 2 26, और बाकी सारी बिट ऑफ है। तो यानी इसका सबनेट मास्क क्या होगा, सारी बिट ऑन है 255, इसमें भी सारी बिट ऑन है 255, इसमें भी सारी बिट ऑन है 255, इसमें 2 बिट ऑन है, तो 2 बिट ऑन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी। हर एक बिट की अपनी वैल्यू होती है, तो फर्स्ट बिट की होगी 128, सेकंड की होगी 64, थर्ड की 32, फोर्थ की 16, फिफ्थ की 8, सिक्स्थ की 4, और इसकी 2, और इसकी 1। तो हमारी 2 बिट ऑन है, तो हम 2 बिट को ऐड कर लेंगे। तो इन दोनों को ऐड करने के बाद आ रहा 192। तो जो सबनेट मास्क है वो ये होगा, ये हर एक नेटवर्क में यही डलेगा सबनेट मास्क। इसके बाद हम इसमें नेटवर्क निकालेंगे, एक इस आईपी में कितने नेटवर्क बनेंगे। तो नेटवर्क आईडी का फॉर्मूला है, नेटवर्क निकालने का, 2 की पावर n, n का मतलब है नेटवर्क, कितनी नेटवर्क बिट ऑन हुई है। तो यहाँ पर 2 हुई हैं, तो यहाँ लिखोगे 2 की पावर में 2, यानी 4। अब हर एक नेटवर्क में कितने होस्ट जुड़ेंगे, तो इसका फॉर्मूला है, होस्ट आईडी का फॉर्मूला है 2 की पावर h माइनस 2। एच का मतलब कितनी बिट ऑफ हुए हैं, ऑफ है, तो ये रही ऑफ, एच मतलब ऑफ वाली, तो ऑफ कितनी 6 माइनस 2, तो आ गया 62। अब हम नेटवर्क, 4 नेटवर्क बनेंगे, तो 4 नेटवर्क कितने कितने डिस्टेंस से बनेंगे उस चीज़ को निकालेंगे। तो अब निकालेंगे ब्लॉक साइज, 0 से 255 तक कितने होते हैं, 256। इसमें से माइनस करेंगे सबनेट मास्क जिसमें चेंजेस हुए, 192, 64। यानी जो नेटवर्क बनेगा, हर 4 नेटवर्क बनेंगे, चारों नेटवर्क का डिफरेंस जो होगा डिस्टेंस
64 पे होगा। तो हम नेटवर्क बनाते हैं, अब नेटवर्क वन, नेटवर्क टू, नेटवर्क थ्री एंड नेटवर्क नंबर फोर। ठीक है, इसमें पहली नेटवर्क आईडी होगी, इसमें भी नेटवर्क आईडी, नेटवर्क आईडी और नेटवर्क आईडी। उसके बाद होस्ट आईडी और ब्रॉडकास्ट आईडी। तो इसकी वैल्यू क्या होगी, नेटवर्क आईडी जो सबसे पहले है, तो सबसे पहले है नेटवर्क आईडी, स्टार्ट कहाँ से हो रही है, 1.0 से। इसकी नेटवर्क आईडी होगी 64 का डिफरेंस, तो 192.168.1.0 से 64 हो गया, इसमें हो गया 192.168.1.128। अब इसमें हो गया 192.168.1.192। तो अब हमें होस्ट आईडी का पता करनी है, तो होस्ट आईडी जस्ट इसके बाद वाली होगी 192.168.1.0 के बाद 1, और ब्रॉडकास्ट आईडी इसके इस आईपी से जस्ट पहले वाली 192.168.1.64 से वाले 63। ये दोनों आईपी यूज़ नहीं करते, और इन दोनों के बीच में जितनी भी आईपी है वो सारी कंप्यूटर्स पे डाली जाती हैं। तो कितनी आईपी होंगी इन दोनों के बीच में, 1 से लेकर 63 यूज़ नहीं करेंगे तो कितनी बची, 62। तो जैसा कि हमने पता किया, फॉर्मूले में लिखा था होस्ट आईडी 62 ही होंगी, तो ऐसे ही अब आगे भी ऐसे करेंगे। ब्रॉडकास्ट आईडी निकालेंगे 192.168.1. इसकी जस्ट वाली 65, और सॉरी ये होस्ट आईडी होगा, ब्रॉडकास्ट आईडी इसमें होगी इसके इससे जस्ट पहले वाली 192.168.1. ये 128 है, तो ये हो गया 127। इन दोनों का बीच में डिफरेंस भी 62 ही होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। होस्ट आईडी क्या होगी, इसके जस्ट बाद वाली 128 के बाद 129। ब्रॉडकास्ट आईडी इससे जस्ट पहले वाली 192.168.1.192 से पहले 191।